वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको मैं थ्योरी के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोले तो यहाँ मैं एक पिछले कुछ ईयर्स के पेपरों को देखकर आने वाले ईयर्स में आपको कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो बताऊंगी। आप टोटली इस पे बेस्ड होकर मत जाना, पर बस मैं ये बोलूँगी पहले इन्हें करके जाना, आपको 4 क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है डागमा मॉडल क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको और इसके डिमेरिट्स बताने हैं। ये डागमर अप्रोच इस पर आ सकता है तो आप ये वाला ज़रूर करना। सेकंड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के टाइप्स क्या क्या है और इसके किसके बेसिस पे बताना है आपको, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसकी मैंने आपको वीडियो बनाई है, फ्लो चार्ट समेत मैंने आपको समझाया है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। डागमा मॉडल भी मैंने समझा दिया है, इसका भी आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब है What do you mean by advertising campaign planning? Campaign planning क्या होती है advertisement की? Explain the process, इसका process बताना है, वो भी मैंने आपको समझाया है। Describe the factors, factors बताने हैं जो advertisement campaign planning को affect करते हैं, ठीक है। तो अब मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इनमें से भी कौन से सबसे पहले करना चाहिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। Advertising campaign planning बता दिए मैंने। अब फोर्थ क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो बनता है व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग मैसेज। एडवर्टाइजिंग मैसेज से आप क्या समझते हो, क्या जानते हो? एक्सप्लेन द गाइडलाइंस, गाइडलाइंस बताइए, कंटेंट्स बताइए। फोर्थ जनरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज, जब आप एडवर्टाइजिंग मैसेज जनरेट करते हो कौन कौन से गाइडलाइंस कर कंटेंट्स उनका ध्यान रखना पड़ता है, उन वो सब आपको बताना है। व्हाट आर द मीन ऑफ प्रेजेंटिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज, कौन कौन से मीन्स मीन होते हैं, माध्यम होते हैं एडवर्टाइजिंग मैसेज को प्रेजेंट करने के, ये बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग बजट, एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस बताइए, फैक्टर्स बताइए जो बजट को अफेक्ट करती है, और इसमें आप प्रोसेस भी कर लेना एडवर्टाइजिंग बजट के, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंस, ये तो आपको करना ही है, ठीक है, क्योंकि बुक का नाम ही नहीं पता रहेगा आपको तो आप नहीं कर पाओगे। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो भी आपको करना है। लास्ट है आपका फाइव एम मॉडल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के जो 5 मॉडल्स मैंने बताए थे, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन मैंने दिए यूनिट नंबर फर्स्ट से और यूनिट नंबर सेकंड से। अब आप ये पूछोगे कि यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड के ही क्यों बताया है आपने, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की क्यों नहीं बताया। आपको मैं बता दूं कि थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब एग्ज़ाम आ जाते हैं, टाइम टेबल आता है, तब से थ्योरी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको वो यूनिट पहले करवा रही हूँ जो जिसमें चैप्टर्स कम हैं, और इस बार तो क्या है 4 क्वेश्चन आपको मैं बता रही हूँ कौन कौन से आ सकते हैं, और उसमें से आपको ओनली 2.5 क्वेश्चन ही करने हैं। तो 2.5 क्वेश्चन आपको इन 7 क्वेश्चन में से ईजीली मिल जाएगा 100%, पर आपको इन 7 क्वेश्चनों को अच्छी तरह याद करना है। अब बात आती है कि इनमें से भी सबसे पहले आपको कौन सा करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 3 में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग क्या है, इसकी भी वीडियो अभी जल्द आने वाली है 1-2 दिन में, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो एडवर्टाइजिंग प्लानिंग क्या होती है, ये वाला आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है। सेकेंड प्रायोरिटी में आपको मैं बताऊँगी बजट या मैसेज वाला कर लीजिए आप, ठीक है, मैसेज वाला आप सेकंड प्रायोरिटी रखिए। इन दोनों में से ये वाला तो कंफर्म एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग से आएगा ही, और इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो अगर आप दोनों करना चाहते हो तो आप दोनों कर सकती हो, और पर मैं मैसेज का बोलूँगी आप मैसेज का पहले करिए। ये हुई यूनिट नंबर सेकंड की बात। अब यूनिट नंबर फर्स्ट में आता है डागमर मॉडल आता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, 5 मॉडल क्या होते हैं, ठीक है। इसमें आप डागमा मॉडल आप करके जाइए, थर्ड प्रायोरिटी आप डागमा मॉडल को रखिए। इसके बाद आपको करना चाहिए व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पर मैं आपको लास्ट में फिर बोल रही हूँ, आपको अगर पूरे 3 के 3 क्वेश्चन करने हैं तो आपको ये पूरे 7 क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, 100 मार्क्स आपके ऐसे आ जाएंगे। पर ओनली आपको पास होना है तो मैं आपको बोलूँगी आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग करके जाइए, और व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट और इट्स फीचर्स इंपॉर्टेंस टाइप्स, ठीक है, कंफर्म। अब आपको मैं बता दूँ
कि ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी फंक्शनल मैनेजमेंट की। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।